नमस्कार, आपका एएससी स्टार्टर में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चैप्टर नंबर 2 पढ़ने जा रहे हैं, 10th क्लास का पॉलिनोमियल, हिंदी में बहुपद कहते हैं। इसके अंदर पहले तीन चीजें पढ़ रहे हैं, लेनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल। हिंदी में से रैखिक, इसे द्विघाती से त्रिघाती कहते हैं। रैखिक की ये इक्वेशन होती है, ए एक्स प्लस बी इजिकल टू जीरो, द्विघाती की ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इजिकल टू जीरो, और क्यूबिक की होती है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वेयर प्लस सी एक्स प्लस डी इजिकल टू जीरो। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। देखो, लीनियर का मतलब है मैक्सिमम जो डिग्री है वो 1 होगी, क्वाड्रेटिक जिसकी मैक्सिमम डिग्री 2 होगी, क्यूबिक जिसकी मैक्सिमम डिग्री 3 होगी। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि ये क्या है, आप बोलोगे मैक्सिमम डिग्री 3 है इसलिए हम इसको क्यूबिक कहेंगे। अब ये आप क्या कहोगे, ये क्या है, आप बोलोगे मैक्सिमम डिग्री 2 है इसलिए हम इसको क्वाड्रेटिक कहेंगे। ठीक है, अगर वो लीनियर है तो उसका एक सॉल्यूशन निकलेगा, कितना सॉल्यूशन निकलेगा, 1, मतलब एक्स का 1 सॉल्यूशन होगा क्योंकि एक्स वेरिएबल ले रहे हैं हम। अगर वो क्वाड्रेटिक है तो उसके 2 सॉल्यूशन होंगे, एक्स के कितने आंसर निकलेंगे, 2, 1, 2। अगर क्यूबिक है तो एक्स, अगर मैं ये एक्स की बात कर रहा हूँ क्योंकि एक्स वेरिएबल है, अगर टी लिखा होगा टी को वेरिएबल मानेंगे तो उसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, अगर क्यूबिक है तो 3 सॉल्यूशन निकलेंगे। अगर वो लीनियर है तो हम उसको अल्फा से डिनोट करेंगे 1 सॉल्यूशन को, अगर वो क्वाड्रेटिक है तो हम उसे अल्फा बीटा से डिनोट करेंगे, अगर उसके 3 सॉल्यूशन है तो अल्फा बीटा गामा से डिनोट करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। ठीक है, अभी आपको मैं लीनियर और क्वाड्रेटिक के बारे में फॉर्मूला बता देता हूँ। देखो, लीनियर जो है उसमें हमें यूज करना है सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला, इसको हिंदी में बोलते हैं शून्यकों का योग। इसकी इक्वेशन क्या होती है, ए एक्स प्लस बी इजिकल टू जीरो, शून्यकों का योग। इसका फॉर्मूला होता है माइनस बी अपॉन में ए। देखो, बी और ए का मतलब हर किसी के लिए अलग अलग है। यहां बी क्या है, यहां बी कॉन्स्टेंट है, क्या है, कॉन्स्टेंट। तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, अगर लीनियर की बात चल रही है, रैखिक की बात चल रही है तो यहां रैखिक में लीनियर में जो बी है वो कॉन्स्टेंट टर्म है, जिसके साथ एक्स वाई जेड जो वेरिएबल होते हैं अगर वो नहीं हो तो उसे हम कॉन्स्टेंट टर्म कहते हैं। और यहां पे ए क्या है, कोफिशियंट ऑफ एक्स, कोफिशियंट। ठीक है, ये मैंने शॉर्ट में लिख दिया। हिंदी में इसे क्या बोलेंगे, अचर पद, क्या बोलेंगे, अचर पद, और एक्स का गुणांक। ठीक है, यहां माइनस लग जाएगा, क्या लगेगा फॉर्मूले में। तो ये पहला फॉर्मूला है, अभी इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, अभी फॉर्मूला नोट कर लो। ठीक है, ये फॉर्मूला जो है क्या काम करेगा, आप जब क्वेश्चन करोगे आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। ये क्या करता है, ये जस्टिफाई के काम आता है, रिलेशनशिप बताने के काम आता है, क्योंकि मैंने आपको बताया वो लीनियर होगा और लीनियर के अंदर खाली एक ही सॉल्यूशन निकलेगा इसलिए अल्फा लिखेंगे यहां पर, तो ये दोनों की इक्वेशन बराबर आ जाएगी। ठीक है, अब हम बढ़ जाते हैं क्वाड्रेटिक में। क्वाड्रेटिक के कितने सॉल्यूशन निकलेंगे, 2। ठीक है, हिंदी में इसको बोला जाता है द्विघाती बहुपद। अब क्वाड्रेटिक में दो फॉर्मूले लगेंगे, पहला निकलेगा, ये रिलेशनशिप बताने के लिए यूज होता है, सम ऑफ जीरोस। इसका फॉर्मूला क्या होगा, अब सम ऑफ जीरोस में माइनस बी अपॉन में ए रहेगा। ठीक है, अब यहां बी का मतलब क्या है, यहां बी का मतलब क्या है, एक्स के कोफिशियंट। ठीक है, अलग अलग जगह अलग अलग मतलब होता है, कॉफिशियंट ऑफ एक्स, कॉफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वेयर। हिंदी में बोल देता हूं, एक्स का गुणांक, एक्स स्क्वेयर का गुणांक। ठीक है, और सम ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि इसके दो सॉल्यूशन होंगे अभी भी मैंने बताया था। तो ये अगर ये दोनों बराबर आ गए तो इसका मतलब आपने सही करा है। ठीक है, अभी पहले फॉर्मूले नोट कर लो, उसके बाद जब आप करोगे तो आपको समझने में आसानी होगी।
उसके बाद है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, हिंदी में बोलते थे शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, एक्स का गुणांक एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। इसका फॉर्मूला होता है सी अपॉन में ए, ठीक है, कॉन्स्टेंट टर्म, देखो यहां पे सी का मतलब कॉन्स्टेंट टर्म से है, अपॉन में कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर हिंदी में अचर पद और एक्स का स्क्वायर का गुणांक। अब एक बार सुनो, यहां माइनस आ रहा है या माइनस नहीं आ रहा, इसे याद करने का तरीका देखो, एक्स है इसके, ये एक है, एक्स स्क्वायर कितना, एक दो, तो एक कट गया एक बचा माइनस, याद करने का तरीका बताया मैंने। कॉन्स्टेंट टर्म में कोई एक्स नहीं है, एक्स स्क्वायर में दो एक्स है तो दोनों कट गए, यहाँ कोई भी माइनस नहीं आया, ठीक है। शून्यकों का योग का फॉर्मूला क्या है, माइनस बी अपॉन में ए, शून्य को गुणनफल फॉर्मूला क्या है, सी अपॉन में ए, माइनस बी अपॉन में ए को क्या बोलेंगे, एक्स का गुणांक एक्स स्क्वायर का गुणांक, अचर पद बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर नीचे एक्स स्क्वायर ही रहेगा, ठीक है, ये क्वाड्रेटिक मैंने आपको बता दिया। अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं, क्यूबिक का फॉर्मूला जब मैं ऑप्शनल एक्सरसाइज करवाऊंगा तब मैं बताऊंगा, ठीक है, ताकि आपको पहले यहां तक का कंसेप्ट क्लियर हो जाए, नहीं तो फिर टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। अब हम पहले क्वेश्चन करवाते, पहले एक्सरसाइज का, ठीक है, एक मिनट रुक जाओ, एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 1, y इज इक्वल टू पी एक्स हमें दिया हुआ है, ठीक है, तो हमें ये जो दे रखा है, ये जो y है वो इस पे डिपेंड है, तो हमें इसको देखना है, इस x एक्सिस पे कोई जो लाइन है वो कितनी बार उसे इंटरसेक्ट कर रही है, टच कर रही है, तो हम उतने जीरोस बताएंगे, ठीक है, हमें ये दे रखा है, इसको देखेंगे, जो दिया होगा उसी को देखेंगे, ठीक है, इसने बोला इसके जीरोस बताओ, तो ये हमें पहला दे रखा है एक्स एक्स डैश, तो यहाँ पे इसने लाइन ड्रॉ करी हुई है, अब बताओ ये एक्स एक्सिस को ये कितनी बार टच कर रहा है, एक बार भी नहीं कर रहा, तो जीरोस क्या होगा इसके, जीरो हो गए, क्या हो गए, जीरो, ठीक है, जितनी बार टच करेगा उतनी बार आंसर, उतना आंसर आएगा, उतने गिन लेंगे, अगर एक बार भी टच नहीं करेगा तो हम उसको जीरो बोलेंगे, हिंदी में इसको बोलते हैं शून्यक, तो ठीक है, शून्य कितने हैं, यहाँ पे जीरो ही हैं, अब यहाँ जीरो कितने, एक बार टच कर रहा है तो एक आ गया, ऐसे तीसरा क्वेश्चन चौथा क्वेश्चन वो सब बाकी आपको अपने आप करना है काउंट करके, ठीक है, जैसे मैं बताता हूँ तीसरे क्वेश्चन में कितनी टच कर रहा है, कितनी बार टच कर रहा है, 1 2 3, तो जीरो कितना आ गया, 3 आ गया। अब एक तरफ से अपने एग्जाम्पल ले लेता हूँ, अब मुझे ये बताओ ये कितनी बार टच कर रहा है, 1 2 3 4 5 बार, ठीक है, और ये बताओ कितनी बार टच कर रहा है, इसे 1 ही माना जाएगा, 1 और 2 आंसर आ गया, ये मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चन बता दिए, ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये वाली एक्सरसाइज समझ में आ गई होगी। अब हम अगली एक्सरसाइज की तरफ बढ़ जाते हैं, एक्सरसाइज 2.2, एक्सरसाइज 2.2 में आ जाओ, उसने बोला है इनके जीरोस निकालो और इनका रिलेशनशिप बताओ, तो अभी मैंने आपको जीरोस निकालना, ठीक है, तो नहीं सिखाया, लेकिन मैंने आपको रिलेशनशिप का फॉर्मूला बता दिया है, और जीरोस निकालना आपने 9th क्लास में सीख लिया होगा, ठीक है, फिर भी हम करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, मैं बिल्कुल बेसिक तरीके से सिखाऊंगा, ये दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, इसने बोला है इसके जीरो, जीरो का मतलब है कि x की वैल्यू निकालो, तो इसके लिए हमें इसको क्या करना पड़ेगा, स्प्लिट करना पड़ेगा, तो इसके आगे कुछ नहीं तो 1 मान लिया, 8 1 जा 8, मैं बिल्कुल बेसिक तरीके से आराम से करवाने की कोशिश करूंगा, 8 2 4 जा 8, 8 किस किस के टेबल में आता है, जो यहाँ लिखा है इसकी मल्टीप्लाई कर लो, 2 4 जा 8 होता है, और 4 2 जा 8 बातें की है, और 8 1 जा 8, इनमें से कौन सा ऐसा पेयर है, यहाँ माइनस लिखा है ना, तो माइनस करने पर 2 आ जाए, तो
ठीक है, माइनस करने पर 2 आ जाए, ये तरीका होता है। अगर नहीं समझ आएगा दोबारा वीडियो देखना, पीछे करके देखना, बैक करके। तो ये देखो यहाँ 2 चाहिए, तो इनमें से कौन सा फैक्टर लेंगे, ये तो घटाने और ऐड करने पर नहीं आ रहा। यहाँ जो साइन लिखा होता है उसको देखना होता है, माइनस करने पर क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। तो 4 में से 2 जाएंगे, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। ठीक है, इसको सेम उतारा, इसको सेम उतारा, इसके हमने 2 पार्ट कर दिए। ये पार्ट अपनी तरफ से नहीं कर सकते, जैसे यहां 5 लिख दिया, 3 लिख दिया अपनी मर्जी से, नहीं। ठीक है, जिन्होंने नहीं समझा उनको अच्छे से बताने की कोशिश करो, जिनको आता है अच्छी गुड, वेरी गुड, अच्छा वेरी गुड। ये दे रखा है, अब इसके हमने 2 पेयर बना लिए, इसमें कॉमन ले लो, इसमें एक्स आ गया। ठीक है, ये 2 अलग अलग पेयर बन जाते हैं जब इसको लेते हैं, इसको हटा देते हैं। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, 2 का टेबल दोनों में है, 2 4 8। ठीक है, जब हम इसको करते हैं तो इसको छुपा लो, इसको करते तो इसको छुपा लो। ठीक है, अब दोनों में सेम आ गया, दोनों में क्या आ गया, सेम आ गया। तो इसका मतलब हमने सही करा है, एक्स प्लस 2 आ गया। ठीक है, ये हमारा आ गया। अब लिखेंगे 4 जीरोस, क्योंकि हमें जीरोस निकालने हैं, जीरोस निकालने, तो एक्स माइनस 4 इजिकल टू 0, एक्स इजिकल टू कितना आ गया, 4, माइनस का 4 जाके प्लस का हो गया, एक्स प्लस 2 इजिकल टू में 0, एक्स बराबर कितना आ गया, माइनस का 2। तो पहले वाले को हमने क्या मान लिया, अल्फा, और दूसरे वाले को क्या मान लिया, बीटा। मैंने आपको क्या बताया था, क्वाड्रेटिक है, और क्वाड्रेटिक तो कितने सॉल्यूशन निकलेंगे, 2, क्यूबिक है तो कितने निकलेंगे, 3, लीनियर तो कितने निकलेंगे, 1, हमारा ये आ गया। अब इसने बोला रिलेशनशिप निकालो, तो सबसे पहले फॉर्मूला लिख लो, सम ऑफ जीरोस क्या होता है, सम ऑफ जीरोस का माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। आप सिंपल भी लिख सकते हो, माइनस बी अपॉन में ए। ठीक है, तो हम माइनस बी अपॉन में ए लिख लेंगे ताकि इजी रहे, माइनस बी अपॉन में ए। और सम ऑफ जीरोस को क्या बोलते हैं, अल्फा प्लस बीटा। माइनस बी किसे कहते हैं, यहां पहले से लिख लो, ए कितना है, एक्स स्क्वायर के साथ वाले को ए कहेंगे, क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला मैंने करवाया था पीछे, और एक्स के साथ वाले को क्या बोलेंगे, बी, और खाली जो होगा कांस्टेंट बोलेंगे उसे। तो बी कितना दे रखा है हमें, माइनस का 2, और ए कितना दे रखा है हमें, 1, अल्फा कितना निकाला हमने, 4, बीटा कितना, माइनस का 2, माइनस माइनस प्लस, 2 इक्वल टू 2, एल एच एस बराबर क्या आ गया, आर एच एस आ गया। इसका मतलब हमने सही करा। ठीक है, रिलेशनशिप, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है तो कितने रिलेशनशिप निकलेंगे, 2। ठीक है, अब निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो को फॉर्मूला कहते हैं, कॉन्स्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। हम सिंपल क्या लिख लेंगे, सी अपॉन में ए। हिंदी में क्या बोलते थे, शून्यकों का योग, क्या बोलते हैं, शून्यकों का योग। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, शून्यों को, देखो नई क्लास है तो कुछ नई चीजों को सीखने में टाइम लगेगा, बार बार देखोगे, बार बार करोगे प्रैक्टिस, तब अच्छे से आएगा, और जितनी जल्दी दिमाग में डाल लोगे उतना बेनिफिट आपको होगा। अब बताओ अल्फा कितना है, 4, बीटा कितना है, माइनस का 2, सी कितना गिवन है, सी गिवन है हमें माइनस का 8, ए कितना गिवन है, 1, 4 2 जो 8, 4 और माइनस 8 का 8, एल एच एस इक्वल टू क्या आ गया, आर एच एस। इसका मतलब हमने सही करा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अभी इसके मैं 2-3 पार्ट करवाऊंगा। अब हम अगले पार्ट पे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर पहले का सेकंड पार्ट, 4s² - 4s + 1। ठीक है, अब पहले लिख ला करो, a कितना है, 4, b कितना है, -4, c कितना है, 1। ठीक है, दोबारा से मैंने इसे उतार दिया। अब क्या करते हैं, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, 4 1 जा 4, 2 2 जा 4। तो 2 तरीके से हम इसे कर सकते हैं। ठीक है, एक तो अगर आपको फॉर्मूला आता हो a²
माइनस टू ए बी प्लस बी का स्क्वायर, अगर इसको आपको बनाना आता हो तो आप उससे भी इसे कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं आपको सिंपल ये बता रहा हूँ, यहाँ क्या लिखा है प्लस, तो प्लस करने पर फोर आना चाहिए, तो ये तो गलत हो गया, तो ये सही है हमारा। तो मैंने आपको बताया था ये सेम उतार लेते हैं और इसमें ब्रैकेट लगा दो, यहाँ क्या लिखेंगे टू, यहाँ कौन सा वेरिएबल है एस, तो जो वेरिएबल होगा वो साथ में लिख देंगे। दोबारा से समझ लो, फोर वन जा फोर आ गया, टू टू जा फोर, फोर वन जा फोर नहीं लेंगे क्योंकि प्लस करने पर क्या चाहिए फोर, तो टू प्लस टू फोर होता है। उसके बाद ब्रैकेट खोल दो, जब ब्रैकेट खोलोगे तो बाहर माइनस से दोनों का साइन चेंज हो जाएगा। अब इसमें कॉमन लो, दोनों में क्या कॉमन है टू का टेबल, टू वन जा टू, टू टू जा फोर, और एस कॉमन है, तो यहाँ क्या बचा टू एस, क्योंकि एक एस तो बाहर आ गया, यहाँ कुछ नहीं बचा, पूरा सेम बाहर उतर गया तो कुछ नहीं बचा, तो वन लिखते हैं, क्या लिखते हैं वन। अब इधर आ जाओ, ठीक है। अब इन दोनों में क्या कॉमन, जब कुछ भी कॉमन नहीं होता तो वन लिख लेते हैं, क्या लिख लेते हैं वन। तो यहाँ क्या बचा माइनस, माइनस क्या हो गया प्लस, माइनस प्लस क्या हो गया माइनस, देखो माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस माइनस, तो इस चीज का आप ध्यान रखोगे। अब ये दोनों में सेम है, तो टू एस माइनस वन, टू एस माइनस वन इक्वल टू में जीरो, इक्वल टू में जीरो, इक्वल टू में जीरो, इक्वल टू में जीरो। अब क्या करेंगे फोर जीरोस, फोर जीरोस, जीरोस निकालेंगे, ठीक है। उम्मीद करता सब में आ जाओ, तो टू एस माइनस वन इक्वल टू में जीरो, टू एस इक्वल टू वन, एस इक्वल टू कितना आ गया वन अपॉन में टू, पहले वाले का। अब दूसरे वाले का निकालो, टू एस माइनस वन इक्वल टू जीरो, टू एस इक्वल टू वन, एस इक्वल टू कितना आ गया वन अपॉन में टू, ठीक है। अब निकालेंगे सम ऑफ जीरोस, माइनस बी अपॉन में ए, सम ऑफ जीरो का फॉर्मूला क्या होता है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा कितना गिवन है वन अपॉन में टू, मैंने क्या कहा था इसको अल्फा इसको बीटा मान ला करो, तो यहाँ लिख ला है, लिख लो अल्फा कितना है वन अपॉन में टू, बीटा कितना है वन अपॉन में टू, तो अल्फा कितना वन अपॉन में टू, बीटा कितना वन अपॉन में टू, माइनस बी कितना है माइनस का फोर, ए कितना है फोर। अब इसका एलसीएम ले लो, नहीं तो सिंपल सोचो आधा आधा कितना होता है एक, ठीक है। माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो फोर से फोर कैंसिल, वन इक्वल टू वन, एल एच एस बराबर क्या आ गया आर एच एस आ गया, ठीक है। अगर नहीं समझ आएगा दोबारा देखना, क्योंकि नई चीज है, ठीक है। जिनका माइंड फर्स्ट स्टेट है जल्दी समझ लेते हैं, उनकी तो बात ही अलग है, ठीक है। बाकी जिनका माइंड अभी स्लो है तो वो बार बार प्रैक्टिस करेंगे तभी फास्ट होगा, ठीक है। ट्रेन भी पहले नहीं चल पड़ती एकदम फास्ट। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है सी अपॉन में ए, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो सी अपॉन में ए होता है, ठीक है। तो हमें सी कितना दे रखा है, सी कितना दे रखा है बताते पहले, इसको क्या बोलते हैं अल्फा बीटा, तो अल्फा कितना है हमारा वन अपॉन में टू, बीटा कितना है हमारा वन अपॉन में टू, और सी हमारा कितना है वन, ए कितना है हमारा फोर। तो इस तरीके से वन बाय फोर इक्वल टू वन बाय फोर आ गया, एल एच एस बराबर आर एच एस, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने आपको ये दूसरा पार्ट करवा दिया। अब आ जाओ तीसरे पार्ट, देखो दो तीन क्वेश्चन इसे मैं सारे करवाने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि एक नहीं आया दो नहीं आया तो तीसरा तो आएगा, ठीक है, नई चीज है। अब यहां बड़ी पावर दो दे रखी है, यहां एक है और यहां यहां जीरो है, यहां एक है, ये उल्टा सीधा लिखा है। हमारा पैटर्न क्या होता है ऐसे, सबसे पहले इस पैटर्न में बदलना पड़ेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, ठीक है। पहले पावर टू है, डिग्री टू, फिर डिग्री वन, फिर जीरो डिग्री। बच्चे से लाइन से नहीं लगाते, अगर आप सात छः बयालीस करने लग जाओगे तो आपका गलत हो गया, क्योंकि आपने को कंसेप्ट ही नहीं पता आपको, ठीक है। इस तरीके से मैंने ये बता दिया। अब क्या करोगे, सिक्स थ्री जा एटीन, हाँ ऐसे, और एटीन किसके टेबल में आता है, नाइन टू जा एटीन, सिक्स थ्री जा एटीन। अब इनमें से कौन सा ऐसा, और एटीन वन या एटीन लिखना तो लिख लो, इनमें से कौन सा ऐसा टुकड़ा जो माइनस करने पर सात आए, तो ये चीज तो सेम लिखनी पड़ती है, ये और ये सेम लिखना पड़ता है। अब ये सेवन चाहिए तो ये नहीं आएगा, ये नहीं लाएगा, ये लाएगा नाइन, कोफिशियंट के साथ ये जो वेरिएबल है कौन है एक्स, तो एक्स लिखना पड़ेगा। माइनस माइनस क्या हो गया प्लस,
ये दो ग्रुप बन गए। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया था, जब इस ग्रुप को मैं कॉमन लोगे, दोनों में क्या है, थ्री का टेबल, दोनों में एक्स क्या होता है, थ्री टू जा सिक्स, एक एक्स कम हो गया, एक एक्स बाहर आ गया, थ्री थ्री जा नाइन, ठीक है, एक्स तो बाहर आ गया, कुछ नहीं बचा, ठीक है। अब इसमें आ जाओ, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो वन ले लिया, क्या ले लिया, वन ले लिया, अगर कुछ भी कॉमन वन लिख लेते हैं, ठीक है। अब ये दोनों सेम हो गए, दोनों सेम हो गए तो इसको एक बार लिख लेंगे, ठीक है, या यूँ समझो कॉमन ले लिया दोनों में, तो क्या बचा इसमें, थ्री एक्स प्लस वन बचा। जैसे समझना है समझ लो, बस ऐसे समझो कि तुम्हें समझ में आ जाए, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, फोर जीरोस टू एक्स माइनस का थ्री इजिकल टू जीरो, टू एक्स इजिकल टू थ्री, एक्स इजिकल टू कितना आ गया, थ्री अपॉन में टू, और दूसरे वाला थ्री एक्स प्लस वन इजिकल टू में जीरो, थ्री एक्स इजिकल टू माइनस का वन, एक्स इजिकल टू कितना आ गया, माइनस का वन अपॉन में थ्री, ठीक है। तो अल्फा कितना आ गया हमारा, थ्री अपॉन में टू, और बीटा हमारा कितना आ गया, माइनस वन अपॉन में थ्री। हमारा ए कितना है, सिक्स, हमारा बी कितना है, माइनस का सेवन। अगर ये देख लिया तो हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि हमें एक्स लेना है, ठीक है, लाइन से सी कितना है, ठीक है। इसको भी देख के आप बता सकते हो, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि बी किसे कहते हैं, सी किसे कहते हैं। बी किसे कहेंगे जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स है, और सी उसे कहेंगे जो कांस्टेंट है क्वाड्रेटिक में, क्वाड्रेटिक में, ठीक है। ये मिटा दूं, उसके बाद रिलेशनशिप पता लगाना है, ठीक है। सम ऑफ जीरोस, शून्य को योगफल माइनस बी अपॉन में ए, इसे बोलते हैं अल्फा प्लस बीटा। अल्फा कितना दे रखा है, थ्री अपॉन में टू, बीटा कितना दे रखा है, माइनस का वन अपॉन में थ्री, माइनस बी कितना दे रखा है, सेवन, और आपको ए कितना दे रखा है, सिक्स। अब इसका एलसीएम ले लो, ठीक है, सिंपल तरीके से करो, थ्री थ्री जा नाइन, टू वन जा टू, थ्री टू जा सिक्स, ठीक है ना, माइनस माइनस प्लस, नाइन में से टू का कितना बचे, सेवन अपन में सिक्स, सेवन अपन में सिक्स, ठीक है। ये हमारा सम ऑफ जीरोस आ गया, ठीक है। अब हम निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, क्या निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, सी अपॉन में ए, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आपको खुद निकालना है, अल्फा इंटू बीटा लगा के, ठीक है, निकाल के दिखाना, अगर अगर नहीं आएगा तो मुझे बता देना, ठीक है बच्चों। अब हम बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे, ठीक है, ये आपको खुद करना है, फोर्थ पार्ट पे आ जाओ। फोर यू का स्क्वायर प्लस एट यू, ये हमारा क्वेश्चन है। ऐसा करता हूँ, पहले सारा रफ कर देता हूँ, फिर करवाते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर पहले का फोर्थ पार्ट है, फोर यू स्क्वायर प्लस एट यू। अब बताओ ये क्या है, क्वाड्रेटिक है या लीनियर है, मैक्सिमम कितनी है, टू, तो क्वाड्रेटिक हुआ। अब देखो, जब तीन जने होते हैं, ए एक्स स्क्वायर, बी एक्स प्लस सी, तो हमें उसे चार बनाना पड़ता है। ये तो पहले से दो है, इवन बनाना पड़ता है मेन बात। तो इसमें हम क्या करेंगे, सीधा कॉमन ले लेंगे, क्या ले लेंगे, कॉमन। अगर आपको कॉमन डायरेक्ट लेना आता तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप ऐसे फैक्टर कर लिया करो, फोर टू जा एट, तो दोनों में कॉमन क्या है, फोर यू यू प्लस टू, ठीक है। नहीं तो आप ये वाला स्टेप हटा दो, सीधा देखो दोनों में क्या, दोनों में किसका टेबल आ रहा है, फोर का, दोनों में यू है, ठीक है, क्योंकि मैंने क्या कहा, क्वाड्रेटिक है, तो दो सॉल्यूशन ही निकलेंगे। आप क्या करेंगे, फोर जीरो लिखेंगे, क्या लिखेंगे, फोर जीरो, तो फोर यू इक्वल टू, इसको अलग जीरो के इक्वल ले लेंगे, तो जीरो अपॉन में फोर क्या आ गया, जीरो, और यू प्लस टू इक्वल टू जीरो, यू इक्वल टू क्या आ गया, माइनस का टू, तो अल्फा कितना आ गया, जीरो, बीटा कितना आ गया, माइनस का टू, ठीक है। अब निकालेंगे सम ऑफ जीरो, ठीक है, क्या निकालेंगे, सम ऑफ जीरो, सम ऑफ जीरो, तो सम ऑफ जीरो का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी अपॉन में ए, ठीक है। अब बताओ ए क्या है इसमें, ए है इसमें यू यू स्क्वायर क्या फोर, बी कितना है इसमें एट, और सी इसमें है ही नहीं,
ये ध्यान रखना, सौ जीरो मतलब अल्फा प्लस बीटा, हिंदी में शून्य को का योग। अल्फा कितना दे रखा है हमें? जीरो। बीटा कितना है? माइनस का टू। माइनस बी कितना गिवन है हमें? एट। ए कितना गिवन है हमें? फोर। तो जीरो में से माइनस टू बचा, माइनस का एट अपन में फोर, माइनस का टू आ गया। एल एच एस इक्वल टू क्या आ गया? आर एच एस आ गया। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, सी अपॉन में ए, अल्फा इंटू बीटा। अब अल्फा कितना गिवन है? जीरो, मल्टीप्लाई माइनस टू। सी कितना है? जीरो। और ए कितना है? फोर। तो जीरो की माइनस टू मल्टीप्लाई जीरो आ गया, जीरो आ गया। तो दोनों इक्वल आ गए, इसका मतलब हमारा सही है, एल एच एस बराबर आर एच एस। ठीक है, अब इसका पांचवा पार्ट भी जरूरी है, बाकी छठा क्वेश्चन तो मैं होमवर्क में दूंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर पहले का पांचवा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये। टी स्क्वायर माइनस 15, ठीक है, देखो टी स्क्वायर माइनस 15 दे रखा है। ठीक है, तो इसको हम कैसे करेंगे? अब ये भी दो में है, अब इसमें कॉमन नहीं है, तो आपको ये ना फॉर्मूला याद होना चाहिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी ए प्लस बी। तो टी स्क्वायर 15 को हम ऐसे लिख लेंगे, जिसके अगर स्क्वायर ना हो पाए तो आपको मैंने बताया होगा रूट फाइव इक्वल टू फाइव हो जाता है। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर में बताया होगा, तो रूट फाइव क्या हो जाता है? फाइव। ठीक है, ऐसे रूट फिफ्टीन मल्टीप्लाई रूट फिफ्टीन करोगे तो क्या हो जाएगा? 15। इसलिए हमने इसको ऐसे बना लिया। तो ये ठीक है, मेन हमारा क्या है? जीरोस निकालने हैं, मैक्सिमम टू होता है टू निकालने हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है इसका? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ए माइनस बी ए प्लस बी, ए प्लस बी। ठीक है, अब क्या करेंगे? फोर जीरोस, तो टी माइनस रूट फिफ्टीन इजिकल टू में जीरो, 15 आ गया। टी प्लस रूट फिफ्टीन इजिकल टू जीरो, तो टू टी इजिकल टू कितने का? माइनस का रूट 15। अल्फा कितना आ गया हमारा? 15। बीटा हमारा कितना आ गया? माइनस का रूट 15। अब क्या करेंगे? रिलेशनशिप सम ऑफ जीरोस, ठीक है, शून्य को योग, माइनस बी अपॉन में ए, अल्फा प्लस बीटा बोलते हैं इसको। अल्फा कितना गिवन है हमें? रूट 15। बीटा कितना है? माइनस का रूट 15। माइनस बी कितना गिवन है हमें? बी गिवन है, अब यहाँ लिखो पहले ए कितना है हमें? वन। देखो ए वन है हमारा, ठीक है सर। बी कितना है हमारा? है ही नहीं। सी कितना है हमारा? माइनस का 15। ठीक है, जितनी जल्दी माइंड में आ जाए उतना बढ़िया, क्योंकि आपको फिर लिखना ना पड़े, क्योंकि टाइम वेस्ट होता है इससे। ए कितना है? वन। रूट फाइव में रूट फाइव क्या? जीरो बच्चा, और जीरो को एक को जीरो 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 आएगा। तो एल एच एस इक्वल टू क्या आ गया? आर एच एस। अब फटाफट बताओ प्रोडक्ट ऑफ जीरो, शून्य को गुणनफल, सी अपॉन में ए, अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, अल्फा कितना गिवन है? रूट 15। बीटा कितना है? माइनस का रूट 15। सी कितना दे रखा है हमें? माइनस का 15। और ए कितना है? वन। 15 की 15 में रूट में मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा? 15, अभी मैंने करवाया था। ठीक है, अभी एग्जाम्पल बताया था थोड़ी पहले। तो ये दोनों इक्वल आ गए, तो एल एच एस इक्वल टू आर एच एस आ गया। इस तरीके से हमारे पहला क्वेश्चन फिनिश हो गया, फटाफट दूसरा कर लेते हैं। ठीक है, फिर क्लास को ओवर करेंगे। ठीक है, अच्छे से प्रैक्टिस करना, ठीक है, और अपना ध्यान रखना, लॉकडाउन है, घर से बाहर ना निकलना, बहुत जरूरी है तभी निकलना, और सेफ्टी का पूरा पूरा ध्यान रखना अपना। ठीक है, अब हम सेकंड क्वेश्चन पे आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, उसने बोला है कि अब आपको इक्वेशन निकालनी है, अगर आपको सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरो दे रखा है, हमें शून्य को योग शून्य को गुणनफल दे रखा है, अब हमें इक्वेशन निकालनी है। ठीक है, जो हम रिलेशनशिप में निकालते थे वो हमें गिवन है, सम ऑफ जीरो हमें दे रखा है। कितना दे रखा है पहले वाले में? वन अपॉन में फोर दे रखा है, हिंदी में शून्य को का योग हमें दे रखा है, शून्य को का योगफल हमें दे रखा है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो भी दे रखा है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी दे रखा है। क्या दे रखा है हमें? माइनस का वन। ठीक है, अब इसकी एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, उसे लगाएंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसके दो तरीके होते हैं। ठीक है, इस तरीके को आप याद रखो, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू में जीरो।
ठीक है, इसके बाहर के लगाएंगे, लेकिन अभी मैं बाद में बताता हूँ, ठीक है, कॉन्स्टेंट के लिए लगाया जाता है वो। और सबसे पहले हिंदी में लिख दूँ, इसको बोलेंगे शून्य को का योग, ठीक है, मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ हिंदी में, एक्स स्क्वायर माइनस शून्य को का योगफल, शून्य को का गुणनफल, अब फटाफट बताओ एक्स का स्क्वायर माइनस शून्य को योगफल कितना दे रखा है, 1/4, बाहर क्या है एक्स, प्रोडक्ट हो चुका कितना दे रखा है, माइनस का 1, ठीक है, तो एक्स का स्क्वायर, एक्स की से मल्टीप्लाई करो माइनस की मल्टीप्लाई करो, क्या होगा, माइनस का एक्स 1/4 प्लस माइनस क्या हो गया, ठीक है। अब उसके बाद आपको एलसीएम ले लेना, क्या ले लेना, एलसीएम लोगे तो 4 आ जाएगा, ठीक है, 4 आएगा, 4 की से मल्टीप्लाई करो, और ये 4 की इसमें मल्टीप्लाई करोगे इधर जाके क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या आ गया, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। देखो एलसीएम लेना सबको आता ही होगा, 4 नीचे कुछ है तो एक मान लिया, एक के टेबल में 4, 4 नंबर पर, तो 4 की मल्टीप्लाई कर दी, ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। अब एक बात सुनो सब, इनके बाहर के लगाना जरूरी है, क्या लगाना जरूरी है, के लगाना जरूरी है, के इसलिए लगाते हैं कॉन्स्टेंट वैल्यू के लिए, क्योंकि हमें नहीं पता कि कुछ कॉमन लेके क्या पता उधर जाके जीरो कर दिया हो, इसलिए के लिखना जरूरी है, के लिखना जरूरी है, इसलिए बाद में लिखा करो, पहले लिखने से कभी बार कभी कभी क्या हो जाता है, कन्फ्यूजन हो जाती है। अब इसका मैं एक अगला पार्ट करवा देता हूँ ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है, बाकी सारे आपको घर से अपने आप करने होमवर्क में, और अगर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा तो उसको आप प्रॉब्लम में पूछ सकते हो, ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना तो वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। हमें सम ऑफ जीरोस कितना दे रखा है, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना दे रखा है, 1/3, शून्य को का योगफल, शून्य का गुणनफल, तो फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ जीरोस, शून्य को का योगफल, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है, सम ऑफ जीरोस कितना गिवन है हमें, √2, शून्य को का योगफल, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना दे रखा है, 1/3। अब इसका भी क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे 3, ठीक है, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 लगा लेंगे, 3 की से मल्टीप्लाई हो जाएगी 3x² जिसके नीचे उसकी उसकी तो होगी नहीं, ठीक है, उसका ऊपर की रकम सेम उतार देंगे। अब ये जाके क्या बन जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये 0 बन जाएगा, तो 3x² माइनस रूट, अच्छा 3 की से मल्टीप्लाई करो, ये आ गया 3√2, ठीक है, अगर आप मल्टीप्लाई करना भूल गए तो गलत हो जाएगा, एलसीएम लेना आना चाहिए, ठीक है, इस तरीके से हमारा आंसर आ गया, ठीक है। एक पार्ट और कर देता हूँ, ठीक है, इसका हम पार्ट कर लेते हैं, थर्ड कर लेते हैं, शून्यों को का योगफल कितना दे रखा है, 0, शून्यों को का गुणनफल कितना दे रखा है, √5, तो x², इसे बोलेंगे सम ऑफ जीरोस, इसे बोलेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है, मैंने कहा एक बार हिंदी में भी करवा दूं, शून्य को का योग, और के लगाना मत भूलना, ठीक है, मैंने पहले पहले वाले में लगाया नहीं है तो आप लगा लेना, शून्य को का गुणनफल, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, आप फटाफट वैल्यू पुट कर दो, x² सम ऑफ जीरोस कितना दे रखा है, 0, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना दे रखा है, √5, ठीक है, 0 की किसी मल्टीप्लाई करो क्या आएगा, 0 आएगा, तो इसमें ये हमारा आंसर आ गया। इसके बाहर के लगा देना, क्या लगा देना, के, और फॉर्मूले के बाहर क्या लगा देना, के लगा देना, इस तरीके से हमारा आंसर, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये पूरी क्लास अच्छे समझ में आई होगी, ठीक है, थैंक यू, आज के लिए इतना बहुत है, और कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसा लगा आपको, ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।